एबायोटिक सेलेक्टर जो जीन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और साथ साथ अपन पहले सेगमेंट पोलरिटी जो जीन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गैप जीन्स ने पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट करवाया, पेयर रूल जीन्स ने पैरा सेगमेंट बना दिए, और फिर पेयर रूल जीन ने साथ साथ सेगमेंट पोलरिटी जीन को एक्सप्रेस करवाना शुरू कर दिया। हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं पेयर रूल और सेगमेंट पोलरिटी जीन के वो यहाँ पर शो करते हैं, और पैरा सेगमेंट जो हैं और सेगमेंट जो हैं उनकी पोलरिटी, या मैं ये कहूँ कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो बाउंड्री है सेगमेंट्स की, वो किस तरह से बनेगी, कौन सी जीन उन्हें रेगुलेट करती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये हमने देखा था सेगमेंटेशन जो है वो हो गया था, यहाँ पर जो सेगमेंट हैं उनको पैरा सेगमेंट में डिवाइड किया गया, ये हमने बात की थी अभी। तो पैरा सेगमेंट में अगर बात करें तो एक पैरा सेगमेंट में जो सेगमेंट है, मान लो ये एन नंबर का सेगमेंट है, तो एंथ सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट और N+1 सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट जो है वो इस एक पैरा सेगमेंट में आ रहा है। इसी तरह से दूसरे पैरा सेगमेंट में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो N+1 सेगमेंट का पोस्टीरियर रीजन और N+2 सेगमेंट का एंटीरियर रीजन जो है वो पैरा सेगमेंट में आ रहा है। अब यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये पेयर रूल्ड जीन के एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। अभी हम एग्जांपल के तौर पर इवन स्किप्ड और फूसी टेराजू जो जीन है पेयर स्किप्ड, उनके बारे में बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी फूसी टेराजू जो है वो ईच जो इवन सेगमेंट्स हैं, इवन पैरा सेगमेंट्स हैं उनके अंदर एक्सप्रेस होती है, और इवन स्किप्ड जो है ये जो है यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेस नहीं होगी तो इवन जो सेगमेंट हैं वो मिसिंग रहेंगे, इवन स्किप्ड। तो अल्टरनेटिवली एक्सप्रेशन इनका देखने को मिलता है, एक पैरा सेगमेंट में इवन है तो अगले में फुसी टेराजू, फिर इवन स्किप्ड है फिर फूसी टेराजू, इस तरह से अल्टरनेटिवली जो है एक पैरा सेगमेंट में ये एक्सप्रेशन इनका देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो इनका एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन विंगलेस और एनग्रेड जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। विंगलेस और एनग्रेड जो है ये सेगमेंट पोलरिटी जीन में अभी हमने बात की थी इनके बारे में। तो इस डायग्राम को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर ये एक सेगमेंट है तो इस एक सेगमेंट के पोस्टीरियर पार्ट में, या फिर मैं ये कहूँ कि पैरा सेगमेंट का जो एंटीरियर रीजन है वहाँ पर, पैरा सेगमेंट का एंटीरियर या सेगमेंट का पोस्टीरियर जो रीजन है वहाँ पर एनग्रेड का एक्सप्रेशन हो रहा है। ये जो गैप पेयर रूल या सेगमेंट पोलरिटी जीन्स हैं ये मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोड करते हैं, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो पैरा सेगमेंट के एंटीरियर रीजन में एनग्रेड का एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि इवन स्किप्ड या फुसी टेराजू जो पेयर रूल जीन है ये एनग्रेड के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं, और साथ साथ एनग्रेड के एक्सप्रेशन को इवन स्किप्ड फुसी टेराजू या पेयर्ड जो जीन है, जो कि पेयर्ड रूल जीन के एग्जांपल हैं, ये एनग्रेड के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन ऑड स्किप्ड रूंट और स्लोपी पेयर्ड जो पेयर रूल जीन्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि ऑड स्किप्ड रूंट और स्लोपी पेयर्ड, ये जो प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये सप्रेस करते हैं या रिप्रेस करते हैं एनग्रेड के एक्सप्रेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरा सेगमेंट का एंटीरियर जो बॉर्डर है या सेगमेंट का जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पर इवन स्किप फोसी टेराजू या पेयर्ड का एक्सप्रेशन होता है, और ऑड स्किप रूंट और स्लोपी का एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर एनग्रेड जो है उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और एनग्रेड जो है ये एक्सप्रेशन करवाती हैज हॉग, एक पैराक्राइन फैक्टर है उसकी जीन का एक्सप्रेशन करवाती है, और वो हैज हॉग जो है वो हैज हॉग विंगलेस के एक्सप्रेशन को प्रमोट करवाता है सिग्नलिंग के द्वारा।
तो यहाँ पर ये जो एक सेगमेंट है उसी पार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके हम देखते हैं। तो इस सेगमेंट वाले पार्ट में जो सेल्स हैं उन सेल्स में अगर मैं बात करूँ तो आगे की तरफ जो सेल्स हैं वो एनग्रेड कॉम्पिटेंट हैं, पीछे की तरफ जो सेल्स हैं वो एनग्रेड कॉम्पिटेंट हैं, और बीच में जो सेल्स हैं वो विंगलेस कॉम्पिटेंट हैं। तो अब यहाँ पर एनग्रेड जब पोस्टीरियर रीजन वाली सेल्स में एक्सप्रेस होगा, इवन इसके फोसिटेरेजो या पेयर्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब एनग्रेड के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेंगे, तो एनग्रेड जो है वो एनग्रेड का एक्सप्रेशन जो होगा वो एनग्रेड का एक्सप्रेशन हेजहॉग सिग्नलिंग जो पैराक्राइन फैक्टर है उसको बनाएगा। वो पैराक्राइन फैक्टर पास में प्रेजेंट जो विंगलेस कॉम्पिटेंट सेल्स हैं उन कॉम्पिटेंट सेल्स पर पैस्ड रिसेप्टर और स्मूथेंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे चलता है। क्यूबिटस इंटरप्टस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अनक्लीव्ड फॉर्म में अंदर जाता है। हमने ये पाथवे सिग्नलिंग में पढ़े हुए हैं, हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे और WNT सिग्नलिंग पाथवे ये हमने पढ़े हुए हैं, विंगलेस सिग्नलिंग पाथवे हमने पढ़े हुए हैं। तो क्यूबिटस इंटरप्टस अंदर जाता है, ये विंगलेस के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। विंगलेस WNT होमोलोग है ड्रोसोफिला का, जो हमने WNT सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा था, तो ये WNT जो है या विंगलेस जो है ये पैराक्राइन फैक्टर ये रिलीज होगा, इसका ग्रेडियंट बनेगा। तो जो विंगलेस कॉम्पिटेंट सेल्स हैं यहाँ पर आगे की तरफ एनग्रेड कॉम्पिटेंट सेल्स नहीं है, तो आगे वाली जो सेल्स हैं यहाँ पर ना तो विंगलेस एक्सप्रेस हो रहा है ना ही एनग्रेड एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेगमेंट बाउंड्री पर विंगलेस और एनग्रेड के एक्सप्रेशन की एक लाइनिंग बन जाती है और यह आपस में एक दूसरे को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल विंगलेस यहाँ पर प्रमोट हुआ या WNT जो होमोलोग है वो अगर एक्सप्रेस हुआ तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा फ्रेजल्ट रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, और LRP को रिसेप्टर होता है इसका, तो वो रिसेप्टर को रिसेप्टर जो है वो डिशवेल्ड प्रोटीन जो है उसको एक्टिव करवाएंगे, डिशवेल्ड GSK3 को इनिबिट करेगी जो कि बीटा कैटेनिन होमोलोग है यहाँ पर आर्मेडिल्लो, उस आर्मेडिल्लो के डिग्रेडेशन को रोकेगी। आर्मेडिल्लो जो बीटा कैटेनिन होमोलोग है वो एक्यूमुलेट होगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा और एनग्रेड के एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, और एनग्रेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो हेजहॉग पैराक्राइन सिग्नलिंग फैक्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये हेजहॉग और विंगलेस एक दूसरे के एक्सप्रेशन को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, तो इनका जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। जो सेगमेंट वाली बाउंड्री की रीजन है वहाँ पर ये विंगलेस और हेजहॉग का एक्सप्रेशन जो है वो होता रहेगा, बीच वाले जो रीजन है वहाँ पर इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जो ये सेगमेंट या पैरा सेगमेंट बने थे, ये 14 जो है पैरा सेगमेंट्स बने थे, अभी हमने लास्ट डायग्राम जो देखे थे उनमें हमने बात की थी, तो हर एक जो 14 पैरा सेगमेंट्स है वहाँ पर जो सेगमेंटल बाउंड्री है वहाँ पर विंगलेस और एनग्रेड का एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा, और ये एक्सप्रेशन पैटर्न इनकी प्रोजेनी सेल्स में भी फॉलो होगा। और ये जो पेयर रूल और सेगमेंट पोलरिटी जीन्स हैं ये स्पेसिफिक ऑर्गन आइडेंटिटी या होम्योटिक जीन्स को एक्सप्रेस करवाती हैं। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो बना रही है, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो नहीं बन पाएगी, हो सकता है मिरर इमेज बन जाए। अब हम बात करते हैं कि ये जो गैप जीन ने एक्टिवेट करवाया पेयर रूल जीन्स को, पेयर रूल जीन्स ने एक्टिवेट कराया सेगमेंट पोलरिटी जीन्स को, पेयर रूल और सेगमेंट पोलरिटी जो उनका ग्रेडियंट है वो मिलकर एक्सप्रेस करवाता है डिफरेंट टाइप ऑफ होम्योटिक सेलेक्टर या ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को। अच्छा, यहाँ पर विंगलेस के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, विंगलेस जो है इसका इसके एक्सप्रेशन जो है उसके लिए यहाँ पर या इवन स्किप्ट और फुसी टेरेजू है वो इसके एक्सप्रेशन को रोकती हैं, तो इवन स्किप्ट या फुसी टेरेजू जो है उन वो अगर नहीं है तो विंगलेस एक्सप्रेस होगी, अगर वो कम अमाउंट में है तो विंगलेस का एक्सप्रेशन स्लो होगा। लेकिन विंगलेस के एक्सप्रेशन के लिए स्लोपी पेयर्ड जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका अकरेंस मस्ट होता है, तो इस तरह से यहाँ पर विंगलेस के एक्सप्रेशन का ग्रेडियंट जो है वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं ये सेगमेंट पोलरिटी जीन्स प्रमोट करवाती हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को, और होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स जो हैं ये हॉक्स फैमिली की जीन्स हैं जो कि ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं, मेटाजोन्स में इनको
सभी मेटाजोन्स जो हैं, यानी कि जो ड्रोसोफिला हो गई या फिर हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं एनिमल्स, सभी जो हैं मेटाजोन्स, उनमें ये हॉक्स जीन जो है ये प्रेजेंट रहती हैं। और इनकी खास बात ये है कि इनवर्टिब्रेट से लेकर हायर वर्टिब्रेट तक कंजर्व्ड हैं। इनके अंदर एक डेन बैंडिंग डोमेन जो है, जिसको होम्योटिक डोमेन कहते हैं, वो होम्योटिक डोमेन कंजर्व डोमेन है। 60 अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, जिसके लिए 180 बेस पेयर लॉन्ग जो है जीन के अंदर एक कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि 60 अमाइनो एसिड लॉन्ग डीएनए बाइंडिंग डोमेन को कोड करता है, जिसकी स्ट्रक्चर हेलिक्स लूप हेलिक्स, जो स्ट्रक्चर हमने हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में डीएनए बाइंडिंग डोमेन पढ़े थे, लगभग उसी की जैसी स्ट्रक्चर इनके डीएनए बाइंडिंग डोमेन की होती है। तो ये जो कंजर्व्ड होम्योटिक या हॉक्स जीन्स हैं, प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट्स में इनको मैड्स बॉक्स फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स हैं, ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट होती हैं, दो कॉम्प्लेक्स या दो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक ग्रुप जो है जिसको एंटीनापेडिया कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसमें 5 जीन प्रेजेंट रहते हैं, लेबियल प्रोबोसिपेडिया डीफॉर्म सेक्सकॉम रिड्यूस्ड और एंटीनापेडिया। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसे बाईथोरेक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि अल्ट्रा बाईथोरेक्स, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी, ये 3 जीन प्रेजेंट होती हैं। होम्योटिक जीन्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये जो ऑर्डर है इनका क्रोमोसोम पर, यही ऑर्डर इनका एक्सप्रेशन पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जो ये वाली जीन है जो क्रोमोसोम पर आगे की तरफ हैं, ये आगे वाले जो पार्ट हैं एम्ब्रियो के, वहीं पर एक्सप्रेस होती है। जो एब्डोमिनल बी वाली है, वो पीछे वाले जो सेगमेंट जो बनाने वाली जो सेल्स हैं, सिर्फ उन्हीं में एक्सप्रेस होती है। तो इनका जो एक्सप्रेशन पैटर्न है वो इसी लीनियर ऑर्डर में एम्ब्रियो के अंदर एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ देखने को मिलेगा। और इनके जो नाम दिए गए हैं वो इनकी जीन में म्यूटेशन के आधार पर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं एंटीनापेडिया जो है, एंटीनापेडिया जीन जो है ये मेनली जो T2 जो थोरेसिक सेगमेंट है, यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेशन करवा रही, अगर जो है अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, सॉरी अगर एंटीनापेडिया जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो T2 जो सेगमेंट है यहाँ पर लेग की बजाय एंटीना जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये जो एंटीनापेडिया जीन है, ये T2 सेगमेंट में एंटीना फॉर्मेशन वाले जीन्स और आई फॉर्मेशन वाले जीन्स को इनहिबिट करके रखती है। और इसीलिए इसका अगर यहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो यहाँ पर एंटीना फॉर्मेशन नहीं हो पाता है हेड वाले रीजन में, और लेग फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस एंटीनापेडिया जीन के लॉस ऑफ फंक्शन से यहाँ पर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में लेग की जगह एंटीना निकल जाएगा। इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए अगर मिस एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि मिस एक्सप्रेशन हेड वाले रीजन में इसका हो जाए, तो यहाँ पर एंटीना की जगह लेग यानी कि पीडिया यानी कि लेग जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये लेबियल प्रोबोसिपेडिया डीफॉर्म्ड जो है सेक्सकॉम रिड्यूस्ड, ये बेसिकली हेड वाले पार्ट जो हैं उनको बनाने के लिए काम आ रही है। एंटीनापेडिया थोरेक्स वाले जो रीजन है T1 T2 उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। UBX जो है ये बेसिकली थर्ड जो थोरेसिक सेगमेंट है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एब्डोमिनल ए और बी जो है ये एब्डोमिनल वाले पार्ट बनाती हैं। थोरेसिक सेगमेंट 1, 2 और 3 पर एक एक पेयर लैग प्रेजेंट होता है। सेकेंड नंबर वाला जो थोरेसिक सेगमेंट है इस पर एक पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर वाले थोरेसिक सेगमेंट पर 1 पेयर हाल्टेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। UBX जीन जो है इसका अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट पर भी हाल्टेयर की जगह एक पेयर विंग्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि 2 पेयर विंग्स हो जाएंगे तो वो फ्लाई फिर उड़ नहीं पाएगी प्रॉपरली। इसी तरह से UBX जीन का मिस एक्सप्रेशन अगर हो जाए सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में, तो यहाँ पर विंग्स बनने की बजाय हाल्टेयर जो है वो बन जाएंगे, विंग्स बनेंगे ही नहीं। तो ये जो है ड्रोसोफिला में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की है। जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के एग्जाम का, तो इस पर हमें खास ध्यान देना है। थैंक यू।